नए कलाकारों को सम्मानित करने का ये जो आपके आप दोनों लोगों ने जो एक आयोजन किया, किस तरह से आपके दिमाग में आया ये? यात्रा अभी शुरुआत की है और दादा साहब फाल्के मूलतः कोल्हापुर के हैं और आज तक फिल्म मिशन कोल्हापुर में किसी ने कोई कार्यक्रम नहीं किया, उसको सम्मान नहीं किया और हम चाहते हैं कि ये बड़ा कार्यक्रम कोल्हापुर में हो और बड़े स्केल पे हो। और यात्रा में आज तक 12-15 वर्षों में कोल्हापुर जहाँ उनकी जन्मभूमि, जहाँ उन्होंने पहली पिक्चर बनाई थी 1910 में, उसकी शुरुआत वहाँ हम वहाँ के लोगों को और नीचे के लोगों को ये अवार्ड VIP होटलों में और बड़े बड़े लोगों के लिए था। हम वहाँ के हर निचले लोगों को एक स्टेडियम में बुलाकर सम्मानित करना चाहते हैं। दादा फाल्के साहब गांधी जी हैं फिल्म इंडस्ट्री की। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस सोच के साथ आपने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा था, लोगों को सम्मान देने का, जो सक्सेसफुली ये पूरा हुआ है, कितनी खुशी है इस बात की? देखिए, खुशी का तो अभी ये खुशी की शुरुआत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई राम कुमार पाल साहब ने ये जब सोचा तो हमने उसके अंदर एक वर्ड को ऐड किया और वो वर्ड था यात्रा, यानी कि एक यात्रा की शुरुआत, फिल्मी यात्रा की शुरुआत जो दादा साहब फाल्के साहब ने की थी 1910 से, उसको हम आगे लेके चलना चाहते हैं। जैसे कि राम कुमार पाल साहब ने कहा कि हम छोटे से छोटे आर्टिस्टों को भी इसके बारे में या इससे इस अवार्ड से अवगत कराना चाहते हैं, इस अवार्ड से नवाजना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मूलतः जो अभी राम कुमार पाल साहब ने कहा कि कोल्हापुर, आप लोगों को अगर पता है या नहीं पता है, पता होगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दादा साहब फाल्के साहब ने अपनी फिल्मी जगत की यानी अपनी फिल्मी दुनिया की यात्रा, इंडियन सिनेमा की यात्रा, हमारे भारत सिनेमा की यात्रा कोल्हापुर से हुई थी। और इस प्रोग्राम का नाम यात्रा रखने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि ये यात्रा एक्चुअली मुंबई से कोल्हापुर जाएगी और ओरिजिनल यात्रा वहाँ कोल्हापुर से शुरू होगी। ऐसी हम तमाम लोगों की कोशिश है और हम आप सभी मीडिया कर्मों से ये कहना चाहते हैं कि इसका इस बात की पूरी अवगत हम अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को, अपने भारतवासियों को कराएं, क्योंकि ये असली यात्रा, फिल्मी यात्रा और दादा साहब फाल्के साहब की फिल्मों की यात्रा, फिल्म अवार्ड की यात्रा हम कोल्हापुर से बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हैं। आज भी बहुत भव्य प्रोग्राम रहा, बहुत लोग आए, बहुत मज़ा आया। बस मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके मीडिया वालों को भी और लोगों को भी और कलाकारों को भी और हमारी पूरी बोर्ड कमेटी को भी, जिन्होंने हमको पूरी मदद की और हमें इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में यहाँ तक हमें ले आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्मी यात्रा राम जी, जो आपने शुरुआत की 2019 से, तो इस यात्रा को कहाँ तक ले जाने की आपकी सोच है और जिस तरह से कोल्हापुर के बाद और कहाँ कहाँ पर यात्रा जाएगी और 19 से और आगे कहाँ तक बढ़ाने की आपकी सोच है? कोल्हापुर एक शुरुआत होगी फाइनल, उसके बाद देखा जाएगा। तो आज जिन लोगों को अवार्ड दिया गया, किन किन क्षेत्र में देखते हुए लोगों को अवार्ड दिया गया राजेश जी? हमने बहुत सारे क्षेत्रों पर ध्यान देने की कोशिश की है। देखिए, टूरिज्म भी एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि अगर टूरिज्म न हो, आज हमारे फिल्म जगत की जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी कलाकार हैं, टूरिज़्म के माध्यम से ही बहुत सारे सिटीज़, बहुत सारे शहर, बहुत सारे देशों में जाते हैं और हम कभी भी इस टूरिज़्म के हिस्सों को जाने अनजाने में इग्नोर कर जाते हैं। तो हम इस क्षेत्र को भी, जो क्षेत्र फिल्म इंडस्ट्री में ज़रा सा भी सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में, तो जाहिर सी बात है उस शख्स को, उस इंसान को इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए, इस पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। इस तरह हम केवल सिर्फ टूरिज्म में ही नहीं, बिजनेस के हर एक क्षेत्र में भी हम इसको लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी सिनेमा देखता है तो हर आदमी दादा साहब फाल्के से रिलेट करता है, उनको समझता है और उनकी बनाई हुई, ईजाद की हुई चीज़ों पर एंटरटेन करता है। इतनी बड़ी दुनिया है। थैंक यू।